आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं ऑलरेडी कह रहा है जैसे मान लो हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी इसको आसानी से ड्रॉ किया जाता है अगर ए बी और ए सी दो इक्वल मीजर हो जाएंगे हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर तो हम इजीली इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं तो फर्स्ट इज करेक्ट नाउ कम टू द सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में एंगल बी का मीजर है नाइन्टी डिग्री और एंगल सी का मीजर है 120 डिग्री हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द रूल एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है न तो ग्रेटर देन 180 एटी न लेस प्रॉपर्टी तो हम कह सकते हैं इस बेस पे कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि देखिए सिर्फ एंगल बी और सी का ही सम मोर देन 180 डिग्री हो जा रहा है सो ऑप्शन नंबर टू इज इन करेक्ट इसमें ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री में हमें गिवेन है कि ए बी सिक्स सेंटीमीटर एंगल सी टेन और सी ए साइड फाइव सेंटीमीटर हमने क्या किया ये ड्रॉ कर ली एक सी ए साइड मान लेते हैं ये C है ये A है और क्वेश्चन में गिवेन है ये फाइव सेंटीमीटर अब एंगल C टेन डिग्री टेन डिग्री बहुत स्मॉल एंगल बनेगा तो ये बना लिया हमने एंगल C विच इज टेन डिग्री ओनली अब A से कह रहा है सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पे कट लग रहा है तो इजीली ये जहां पे कट हो रहा है ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी पॉइंट हो जाएगा और इसका मीजर हमें गिवेन ही है सिक्स सेंटीमीटर तो ये भी ड्रॉ हो गया नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर फोर इन ऑप्शन नंबर फोर इट इज गिवेन एक्स वाई एट सेंटीमीटर है देखिए इसको भी ड्रॉ करते हैं मान लेते हैं ये एक्स और जिस पॉइंट पे, पे ये कट करेंगे वहां पे एक्स वाई के बाद जेड पॉइंट ही दे देते दे हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स थर्टी डिग्री हो गया एंगल वाई सिक्सटी डिग्री हो गया तो देखिए इजीली ये वाला भी एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया सो वी कैन से ऑप्शन नंबर टू में जो मीज़र्स है उसके बेस पे ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्वेश्चन में यही पूछा था सो ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ